सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की फटाफट खबरों का। शहर से लेकर ग्रामीण इलाके की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैसी। आज रविवार के इस अहम खबर से करते हैं फटाफट खबरों की शुरुआत। तहालक, शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों में शामिल सैकड़ों वाहनों से भदोही शहर का रजपुरा चौराहा शनिवार को करह उठा। अचानक रजपुरा चौराहे पर बारात में शामिल सैकड़ों कार पहुंच गईं, जिससे चौराहा भीषण जाम की चपेट में आ गया। जाम में एम्बुलेंस, राहगीर, पुलिस के वाहन तक भी फंस गए थे। रजपुरा पुलिस बूथ पर तैनात जवान जाम हटाने के लिए पसीना बहाते नजर आए। शनिवार की शाम अचानक भदोही शहर के रजपुरा चौराहे पर भीषण जाम लगने से अफरा तफरी का माहौल रहा। उधर कुछ लोगों का कहना है कि चौराहे पर कई दुकानदार अपने दुकानों के सामने बेतरतीब ढंग से ग्राहकों की गाड़ियों को खड़ा करा देते हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और स्थानीय पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। भदोही जिले की सड़कों पर हुटर लगाकर रौब गाटने वाले सावधान हो जाइए। ऐसे अवैध हुटर लगाकर चलने वालों पर एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान का हंटर चलने लगा है। एसपी के निर्देश पर शनिवार को यातायात प्रभारी शशिकांत यादव ने एक विशेष अभियान चलाकर लग्जरी वाहनों में लगे 7 अवैध हुटरों को मौके पर ही मिस्त्री बुलाकर निकलवाया गया है। यातायात प्रभारी शशिकांत यादव ने बताया कि भदोही जिले के गोपीगंज नगर के रामलीला मैदान पड़ाव सहित हाईवे पर अभियान चलाया गया। इस दौरान अवैध हूटर व काली फिल्म लगाकर चलने वाले कार चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यातायात विभाग की इस कार्रवाई से अवैध हूटर बगैर सीट बेल्ट व काली फिल्म लगाकर चलने वालों में हड़कंप मचा रहा। भदोही एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान की डायल 112 पीआरबी पुलिस घायलों के लिए देवदूत बन गई। सड़क पर मां बेटी व ऑटो चालक घायल होकर करह रहे थे। इसी दौरान पीआरबी 2300 के हेड कांस्टेबल अजय कुमार, सतीश कुमार व चालक राम विजय सरोज मौके पर पहुंचे और घायलों को अपने वाहन से फौरन भदोही के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल यह पूरा मामला है भदोही शहर कोतवाली इलाके के सूर्यामा मार्ग नेवादा पुलिया का, जहां मोड़ के बीजापुर निवासी ऑटो ड्राइवर झब्बू कुमार सवारी लेकर भदोही की तरफ जा रहा था। ऑटो में देवनाथपुर निवासी महेंद्र यादव की 40 वर्षीय पत्नी गीता देवी व पुत्री प्रतिष्ठा सवार थी। ऑटो नेवादा पुलिया के समीप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे यह हादसा हुआ है। एक बार फिर भदोही एसपी की पीआरबी घायलों के लिए देवदूत साबित हुई। उधर मौके पर पहुंची पुलिस ने ऑटो को कब्जे में ले लिया था। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर जारी रेड में करीब 200 करोड़ रुपए की रकम बरामद हुई है। इस भ्रष्टाचार के विरोध में शनिवार को भदोही जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों व नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञानपुर जिला मुख्यालय डीएम कार्यालय के सामने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस का पुतला दहन किया है। इस दौरान भाजपाइयों ने कहा कि पूरे देश में जहां जहां कांग्रेस की सरकार रही है, वहां वहां इन्होंने लूट मचाई है और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन राष्ट्रपति को संबोधित डीएम भदोही को सौंपा है। जमीनी विवाद में ससुर व बहू की पिटाई कर दी गई है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के गांधी गांव का है। जमीनी विवाद को लेकर त्रिलोकीनाथ उपाध्याय को उसके विपक्षियों ने गाली गलौज देते हुए लाठी डंडे से पिटाई करने लगे। बीच बचाव के लिए आई त्रिलोकीनाथ उपाध्याय की बहू कौशल्या देवी को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया है। जमीनी विवाद में ससुर बहू घायल हो गए हैं। घायलों का उपचार सीएससी गोपीगंज में कराया गया है। त्रिलोकीनाथ उपाध्याय ने गोपीगंज कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। चौरी इलाके के दरुन्हा में आवासीय पट्टे पर दलित परिवारों को मिली भूमि पर दबंग कब्जा कर रहे हैं। दर्जनों राजगीर मिस्त्री लगाकर दबंग दिन रात दलित समाज के परिवार को मिले आवासीय पट्टे की भूमि पर निर्माण करा रहे हैं। विरोध करने पर गाँव छोड़ने की दबंग धमकी दे रहे हैं।
शनिवार को परेशान दलित परिवारों ने थाना समाधान दिवस पर पहुंचकर एसपी को पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। चौरी के दरुनहा निवासी रजित राम संतोष सहित लगभग एक दर्जन से अधिक लोग भीम आर्मी के मंडल अध्यक्ष विनोद कुमार गौतम के नेतृत्व में भदोही कोतवाली में आयोजित थाना समाधान दिवस में एसपी को शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि आवासीय पट्टे पर जमीन मिली थी, लेकिन दबंग अब उस पर रखे मढ़े छप्पर को तहस नहस कर निर्माण कराकर कब्जा कर रहे हैं। कुत्ते से टकराकर बाइक सवार पिता पुत्र घायल हो गए हैं। बाइक चला रहे पिता की हालत गंभीर बताई गई है। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। हादसा ज्ञानपुर के चकवा महावीर के समीप का है। चौरी के ममहर निवासी वाहिद अली बाइक से अपने पुत्र आफ्ताब अंसारी के साथ ज्ञानपुर जा रहे थे। जैसे ही चकवा महावीर गांव के समीप पहुंचे, तभी बाइक के सामने अचानक एक कुत्ता आ गया। बाइक कुत्ते से टकरा गई। हादसे में पिता पुत्र घायल हो गए। राहगीरों ने निजी वाहन से जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेजा था, जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू करते हुए वाहिद अली की हालत नाजुक होने पर रेफर कर दिया था। बाइक वाहिद अली चला रहे थे, जबकि वाहिद का पुत्र आफ्ताब अंसारी पीछे बैठा हुआ था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक के निरीक्षण में भदोही ब्लॉक के जमनीपुर हेल्थ वेलनेस सेंटर पर ताला लगा हुआ पाया गया। सेंटर पर तैनात सीएचओ पूजा देवी भी नदारद रहीं। सीएचओ की इस लापरवाही से नाराज सीएमओ ने अग्रिम आदेश तक उस दिन का वेतन रोके जाने का निर्देश दिया है। उधर सीएमओ के पहुंचने की सूचना पर आसपास के लोग भी पहुंच गए थे, जहां सीएमओ से शिकायत करते हुए लोगों ने बताया कि अक्सर सेंटर बंद रहता है और तैनात सीएचओ लापता रहती हैं। औराई ब्लॉक के जगदरी घरौदा बस्ती की सड़क बदहाल हो चुकी है। बदहाल सड़क के मरम्मत कराने की गुहार ग्रामीणों ने सांसद से भी लगाई थी, लेकिन सांसद ने जब फरियाद नहीं सुनी तो सड़क मरम्मत की मांग को लेकर ग्रामीणों ने शनिवार को प्रदर्शन किया है। इलाके के फूलचंद यादव, कल्लू यादव, ओम प्रकाश यादव, मुनीलाल यादव, काशीनाथ यादव ने बताया कि घरौदा यादव बस्ती के हीरा लाल के घर से पासी चौराहा तक सड़क पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। 20 साल पहले सड़क की मरम्मत हुई थी। सड़क मरम्मत की मांग को लेकर कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट कराया गया, सांसद से भी गुहार लगाई गई, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सांसद कभी इलाके में नहीं दिखे। 300 मीटर रोड पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। सड़क मरम्मत की मांग को लेकर इलाके के लोगों ने शनिवार को प्रदर्शन किया है। गोपीगंज के गिराई पावर हाउस सर्विस लेन पर जलजमाव मामले को भदोही जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। एक बार फिर सत्यम न्यूज के खबर का बड़ा असर हुआ है। जलजमाव वाले स्थान का जिले के अफसरों ने निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि गोपीगंज के गिराई पावर हाउस के समीप सर्विस लेन पर भीषण जलजमाव हो गया है। इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से चलाया था। शनिवार को ज्ञानपुर एसडीएम भान सिंह एनएचआई के अधिकारियों के साथ जलजमाव वाले स्थान का निरीक्षण किया है। इस दौरान एसडीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो विधिक कार्रवाई करते हुए शासन को अवगत कराया जाएगा। साथ ही मौके पर ही एसडीएम भान सिंह ने जलजमाव को लेकर ऑनलाइन बैठक भी की और जमकर कईयों की क्लास लगाई। भदोही जिले के दो होनहार खो खो युवा खिलाड़ियों का भदोही शहर के रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। महाराष्ट्र के नासिक में 3 दिवसीय खो खो टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था। इस टूर्नामेंट में भदोही के असनाव बाजार खिमहीपुर निवासी पप्पू बनवासी का पुत्र अमरजीत बनवासी व नसरुद्दीन हाशमी के पुत्र राहत अली सहित उत्तर प्रदेश से 12 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। असनाव बाजार के खिमहीपुर निवासी यह दोनों युवा खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन कर जब ट्रेन से भदोही रेलवे स्टेशन पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया, जहां खिलाड़ी शिवम राय के नेतृत्व में संत राय, योगेश यादव, विवेक प्रजापति, अंकित मिश्रा, सिकंदर ने पहुंचकर युवा खिलाड़ियों का स्वागत किया था। भदोही शहर के मर्याद पट्टी सुंदर कारपेट के समीप एक ट्रक के धक्के से हाई टेंशन विद्युत तार के दो खंभे धराशायी हो गए। रोस्टिंग के चलते विद्युत आपूर्ति ठप थी, अन्यथा कई राहगीर व दुकानदार काल के गाल में समा जाते। अब सवाल यह उठता है कि नो एंट्री के दौरान यह ट्रक भदोही शहर में दोपहर कैसे पहुंचा। उधर सूचना पर पहुंची भदोही कोतवाली पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया था।
भदोही शहर के मर्याद पट्टी सुंदर कारपेट के समीप लोडेड ट्रक को बैक करते समय एक सीमेंट व एक लोहे का खंभा टूटकर धराशाही हो गया। विद्युत विभाग के जेई सुजीत कुमार पटेल ने बताया कि विद्युत खंभे के टूटने से काजीपुर मेन रोड, मर्याद पट्टी, कटरा बाजार सहित कई इलाके की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है, जिसे बहाल करने की कोशिश की जा रही है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के याकूबपुर में विजय कुमार की पत्नी आरती देवी को उसके ही जेठ ने मारपीट कर घायल कर दिया है। घायल आरती का इलाज भदोही शहर के राजकीय अस्पताल में कराया गया। आरती देवी ने अपने जेठ के खिलाफ भदोही कोतवाली में तहरीर दी है। आरती देवी के मुताबिक वह खेत में धनिया बोने गई थी। नाराज जेठ ने गाली गलौज देते हुए घर पर चढ़कर पिटाई कर दी है। पुलिस ने आरती से तहरीर लेते हुए उसका उपचार राजकीय अस्पताल भदोही में कराया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही जिले को 9 एम्बुलेंस सौंपी है। शनिवार को लखनऊ से भदोही पहुंची इन सभी एम्बुलेंस को जिला मुख्यालय स्थित सौ संया अस्पताल से जिला पंचायत अध्यक्ष अंदु त्रिपाठी व डीएम गौरांग राठी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डायल 102 की सभी नई एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए एम्बुलेंसों के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। इस मौके पर अंदु त्रिपाठी ने बताया कि जिले की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले को 9 एम्बुलेंस मुहैया कराई है, जिससे मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। यह एम्बुलेंस पूरी तरह निःशुल्क है। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक सहित तमाम लोग मौजूद रहे। शनिवार को भदोही जिले के सभी थाना कोतवालियों में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। आयोजित थाना समाधान दिवस में सबसे अधिक 59 मामले अकेले राजस्व विभाग के पहुंचे थे, जबकि मात्र एक मामले पुलिस से जुड़े हुए समाधान दिवस पर पहुंचे हुए थे। मौके पर राजस्व विभाग के 3 जबकि पुलिस के 1 मामले को निस्तारण कर दिया गया। सबसे बदहाल खराब राजस्व विभाग के मामले पहुंचे थे। भदोही एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्या ने भदोही कोतवाली में फरियाद सुनी है। इसी तरह शनिवार को जिले के सभी थाना कोतवालियों में समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, जहां पुलिस व राजस्व विभाग ने फरियाद सुनी है। शनिवार को भदोही जिले में पल्स पोलियो जागरूकता अभियान के तहत जगह जगह रैली निकाली गई थी। ज्ञानपुर के प्राथमिक विद्यालय से सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी तरह ज्ञानपुर में मदरसा के बच्चों ने भी जागरूकता रैली निकाली थी। भदोही शहर के सरोही कंपोजिट विद्यालय से प्रधानाध्यापक रेणु राय के नेतृत्व में बच्चों ने रैली निकालकर पल्स पोलियो के लिए जागरूक किया। इस मौके पर शोभनाथ राम, सच्चन, अनीता, मीना, प्रदीप आदि मौजूद रहे। इसी तरह अबोली ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय दानुपुर पश्चिम पट्टी से भी नन्हे मुन्ने स्कूली बच्चों ने पल्स पोलियो को लेकर जागरूकता रैली निकाली थी। इस मौके पर प्रधानाध्यापक राधा देवी सहित प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकगण मौजूद रहे। अमरिया के मदरसा दारुल उलूम सईदिया से भी पल्स पोलियो को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई थी। यह रैली भजईपुर सब्जी मंडी बगीचा मोहल्ला होते हुए पुनः मदरसे में पहुंचकर समाप्त हुई। इस मौके पर गुलाम मोहम्मद, जाहिद अंसारी, जावेद आदि मौजूद रहे। कांग्रेसियों ने भदोही में पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष संरक्षक सोनिया गांधी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया है। सोनिया गांधी के 77वें जन्मदिन के मौके पर भदोही शहर के मसाल रोड पार्टी के कैंप कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां महिला कांग्रेस नेत्री सबाना मसूद ने पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के बीच केक का वितरण करते हुए सोनिया गांधी के लंबे उम्र की कामना की। इस मौके पर साइना अंसारी, शबनम बानो सहित काफी संख्या में कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। शनिवार को जिला न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 49,027 मामले निपटाए गए। भदोही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित कराए गए राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ माननीय जनपद न्यायाधीश साकेत बिहारी दीपक ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित कर किया था। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन आरिफ अहमद अंसारी ने किया। जिला एवं सत्र न्यायालय के सभी माननीय जजों ने भी मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित किया था। शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 54,786 मामले चिन्हित किए गए थे, जिसमें 49,027 मामलों का निपटारा किया गया। आपराधिक मामलों में 8,54,304 रुपए अर्थदंड वसूले गए।
इसी तरह सक्सेशन के मामले में 10,51,54,590 रुपए के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को निर्गत किया गया। वहीं बैंक के प्री लिटिगेशन मामले में 56,43,01,000 रुपए वसूले गए थे। वहीं राजस्व के मामले में 14,44,994 रुपए अर्थदंड वसूले थे। गोपीगंज नगर के सोनिया तालाब मंदिर में राधा कृष्ण बलभद्र सुभद्रा सहित विराजमान कुल 7 देवी देवताओं को नगर के एक भक्त ने चांदी का मुकुट भेंट किया है। गोपीगंज नगर के पुरुषोत्तम दास हलवाई ने अपने जीवन काल में ही इन प्रतिमाओं पर मुकुट लगाने की इच्छा जाहिर की थी और इसके बदले नगर के सर्राफा कारोबारी त्रिलोकीनाथ सर्राफ को 1,00,000 रुपया दिया था। जहां शनिवार को पुरुषोत्तम दास हलवाई की स्मृति में नगर के सोनिया तालाब स्थित मंदिर में विराजमान देवी देवता के प्रतिमाओं पर चांदी का मुकुट भेंट किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संभ्रांत जनों की मौजूदगी में मुकुट भेंट किया गया। इस मौके पर कृष्ण कुमार खटाई, जगदीश उमर वैस, दीपक मदनवाल, प्रदीप गुप्ता, अरुण कुमार आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज आपके जिले का अपना मीडिया संस्थान है। सत्यम न्यूज पर मिलेंगी हर खबर पूरी बेबाकी व ईमानदारी से। सत्यम न्यूज की खबरों को लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताजा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।